आज का हमारा टॉपिक है ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, एक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं वहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फिर जायगोट बनता है। इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन होता है, जिस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर हम इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें पता ही है आपको कि गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, वेजिटेटिव तरीके से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। तो इसमें ये जेनेटिकली सेम होता है, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो आपके जो आपका इंडिविजुअल है, जो मेन बैक्टीरिया है, जेनेटिकली सेम रहेगा। इसमें पहला है बाइनरी फिजन के थ्रू बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग के थ्रू सिस्ट फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया बनते हैं और सेगमेंटेशन होता है। तो इन सब को हम वन बाय वन डिटेल में इन स्लाइड इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो पहला है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन है इन फेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन बिल्कुल बढ़िया रहती हैं तो बैक्टीरिया बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो बाइनरी फिजन इसका मोस्ट कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन है। इसमें एक बैक्टीरियल सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है। ठीक है, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है, देखिए यह है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, और ये जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है और रिप्लिकेट करता है। रिप्लिकेट करके क्या बना लेता है, डॉटर क्रोमोसोम बना लेता है। जैसे ही डॉटर क्रोमोसोम बनता है तो सेल इनलार्ज होना शुरू होता है। देखिए यहाँ पर सेल इनलार्ज होना शुरू होगा, और जब सेल इनलार्ज होगा और इसके बीच में सेप्टम, ठीक है, इस तरीके से एक सेप्टम बनेगा, क्रॉस वॉल बननी शुरू होगी, तो उस समय जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और दोनों जो बैक्टीरिया बन रहे हैं उन दोनों में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद ये सेप्टम और डीप होता रहेगा और जाके ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से बाइनरी फिजन में एक सेल से दो डॉटर सेल बन जाती हैं। बैक्टीरिया एक बार में, मतलब एक बैक्टीरिया को डिवाइड होने में 20 to 30 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो ये है बाइनरी फिजन। फिर नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग भी क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, लेकिन ये कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। सारे बैक्टीरिया इस तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। और जो बाइनरी फिजन है वो एक कॉमन टाइप का फिजन है, कॉमन टाइप का रिप्रोडक्शन है। ठीक है, इसमें क्या है, एक्टिनोबैक्टर क्लास के जो बैक्टीरिया हैं, या हम कहें कि जीनस हाइफोमाइक्रोबियम जो जीनस है, जो न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं जो बैक्टीरिया, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू होता है। इसमें क्या है कि एक जो बैक्टीरियल सेल है उसमें से एक प्रोट्यूबरेंस या एक आउटग्रोथ, ठीक है, ये इस तरीके से ऐसी आउटग्रोथ निकलती है और बैक्टीरिया के सरफेस से बनना शुरू होता है। एक स्मॉल प्रोट्यूबरेंस, या उसे आउटग्रोथ कहें, ऐसे बनना शुरू होता है। और जैसे ही बनना शुरू होता है तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, रिप्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं, और रिप्लिकेट होके जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या करता है, सेग्रीगेट हो जाता है और दूसरे जो बट, इसे बट कहते हैं, ये जो आउटग्रोथ निकली है वहाँ चला जाता है। उसके बाद ये जो बट है ये धीरे धीरे और बड़ी होनी शुरू होती है और एक प्रॉपर साइज़ ले लेती है, और प्रॉपर साइज़ लेने के बाद ये मेन जो डॉट जो सेल है उससे अलग हो जाती है। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को आप बडिंग कहते हैं। ठीक है, और ये नया जो सेल बनता है, नया जो बड है, ये पूरी तरीके से नए बैक्टीरिया में डेवलप हो जाती है। ये एक चेन है, चेन ऑफ सेल्स है, ये दिखा रखिए इधर।
इसमें क्या है, देखिए एक बर्ड है, फिर दूसरी बर्ड है, तीसरी बर्ड है, तो इस तरीके से बहुत सारी बर्ड क्या हैं, प्रेजेंट है। और ये सारे के सारे आपके, ये सारे के सारे अलग होंगे और जाके नए बैक्टीरिया में डेवलप हो जाएंगे। नेक्स्ट मेथड है सिस्ट फॉर्मेशन का, ठीक है। सिस्ट फॉर्मेशन क्या होता है, ये भी सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। सिस्ट फॉर्मेशन सिर्फ एज़ोबैक्टर बैक्टीरिया की जो कुछ स्पीशीज़ हैं वही किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करती हैं, सिस्ट फॉर्मेशन के थ्रू। तो सिस्ट फॉर्मेशन एक रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं है, बल्कि क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब कंडीशन बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, जैसे न्यूट्रिएंट स्कैसिटी हो जाए, या डेसिकेशन हो जाए, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाए, या हार्मफुल केमिकल का एक्सपोजर हो जाए, मतलब जब एडवर्स कंडीशन हो जाए, एडवर्स इन्वायरमेंट कंडीशंस होती हैं, तो बैक्टीरिया क्या बना लेता है, सिस्ट बना लेता है। ये सिस्ट क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि इस तरीके से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, और अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस सॉरी न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। आपका राइबोसोम प्रेजेंट है, इंक्लूजन बॉडीज़ प्रेजेंट है। तो क्या करता है, जब ये एडवर्स कंडीशन होती है तो बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म है वो बीच में आ जाता है, सेल वॉल को सेपरेट कर देता है, सेल वॉल से अलग हो जाता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से अलग हो जाता है और बीच में आ जाता है। उसके बाद इसके ऊपर और दो लेयर्स बन जाती हैं, एडिशनल दो लेयर और बन जाती हैं इस साइटोप्लाज्म के ऊपर, ठीक है। ये लिखा है, सिस्ट आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एडिशनल लेयर कवर्ड विद टू लेयर्ड कैप्सूल्स अराउंड द मदर सेल वॉल, ठीक है। और इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत स्लो डाउन हो जाती है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, ठीक है, तो ये सिस्ट वॉल, ये सारी वॉल्स जो सिस्ट वॉल बनी है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है और नया बैक्टीरिया बनता है। ये क्या है, मेन फंक्शन ऑफ सिस्ट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवर्स चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी एडवर्स चेंजेस हो रहे हैं उनको क्या करता है, उनसे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट रखता है। नेक्स्ट है एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी अलग से ही इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है। तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या है कि कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, जैसे बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम, ये क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करते हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। एंडोस्पोर्स भी, एंडोस्पोर्स क्या हैं, जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है उसमें एंडोस्पोर सर्वाइव कर सकता है, मतलब ये अगर टेम्परेचर हायर देन 150 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा तब भी एंडोस्पोर क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। कभी डेसिकेशन हो जाए, रेडिएशन हो जाए, एक्सपोजर टू केमिकल्स, किसी भी कंडीशन में जो एंडोस्पोर है वो क्या करता है, सर्वाइव कर सकता है। इसे सबसे पहले जे टिंडल ने रिपोर्ट किया था। इसमें जो पेरेंट सेल होता है उसे आप स्पोरेंजियम कहते हैं, और जो ओरिजिनल पार्ट है सेल का उसका कुछ पार्ट ही यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो देखो एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता कैसे है, सबसे पहले जब कंडीशन अनफेवरेबल होनी शुरू होती है, ये एक बैक्टीरिया आपका, जब फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन शुरू होती हैं बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया क्या करता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन स्टार्ट करता है, तो इसको कहते हैं स्पोरुलेशन, ठीक है। इस फॉर्मेशन को, एंडोस्पोर्स के बनने को स्पोरुलेशन कहते हैं। तो एंडोस्पोर बनाना शुरू करता है, सबसे पहले वो जो जेनेटिक मटेरियल है अपना उसको रिप्लिकेशन शुरू होता है उसमें, और दो आइडेंटिकल कॉपीज़ बना लेता है, ठीक है, दो जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। फिर बैक्टीरिया ट्रांसफर सेप्टम बनाना शुरू करता है, ये है ट्रांसफर सेप्टम, और ये ट्रांसफर सेप्टम सेल के एक पोल की तरफ को बनता है, देखिए बिल्कुल मिडल में नहीं बना, बल्कि ये क्या बन रहा है, एक साइड में बन रहा है, ठीक है, एसिमेट्रिकल सेप्टम बनाता है। और उसके बाद ये नेक्स्ट स्लाइड है ये, इसके बाद डीएनए जो डीएनए, एक डीएनए को जो रिप्लिकेट करके दो डीएनए बन गए थे, एक डीएनए के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक साइटोप्लाज्मिक लेयर बन जाती है, इसे कहते हैं आप प्री स्पोर, ठीक है। ये आपकी मदर सेल है और ये प्री स्पोर बन गया है।
ये प्री स्पोर में फिर एक और थिक लेयर बनती है पेप्टिडोग्लाइकन की प्री स्पोर के चारों तरफ। इसे अब इसमें कॉर्टेक्स बन जाता है, ठीक है, स्पोर कोट पीस बनने शुरू होते हैं। फिर इसमें एक और, ये देखिए, पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर के बाद कॉर्टेक्स बना, यहाँ पर भी एडिशनल लेयर पेप्टिडोग्लाइकन के कॉर्टेक्स बन गया। तो प्री स्पोर के चारों तरफ क्या हो गया, आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है, फिर कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, स्पोर कोट पीसेस प्रेजेंट हैं, पेप्टिडोग्लाइकन की और ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट हो जाती हैं, और लास्ट में प्री स्पोर के बाहर प्रोटीन की लेयर प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जैसे ही प्रोटीन की लेयर प्रोड्यूस हो जाएगी तो अब इसे हम एंडोस्पोर कहते हैं। जो मदर सेल है जिसके अंदर ये स्पोर प्रेजेंट रहता है, इसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ये क्या है, स्पोरेंजियम है। और जब और यही इसको तोड़ के, इस मदर सेल को तोड़ के ये बाहर निकल जाता है, तो ये आपका क्या है, एक एंडोस्पोर है। और ये एंडोस्पोर किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल एंडोस्पोर, तो मेन जो स्ट्रक्चर है वो ये है बैक्टीरिया एंडोस्पोर का। सबसे अंदर ये कोर है, ठीक है, इस कोर में आपका डीएनए प्रेजेंट है, और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, सारी चीज़ें इस कोर में आपके प्रेजेंट हैं। उसके बाहर एक थिन लेयर है साइटोप्लाज्म की, ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म की लेयर होती है जो कोर को घेरे रखती है। उसके बाद आपका कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन का, कैल्शियम का और डिपिकोलिनिक एसिड का बना है। और ये जो कॉर्टेक्स होता है ये कोर का हाफ होता है, मतलब काफ़ी बहुत मोटी लेयर होती है कॉर्टेक्स की। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये सब में प्रेजेंट नहीं होती है, कुछ बैक्टीरियाज के एंडोस्पोर्स में प्रेजेंट होती है। उसके बाद स्पोर कोट प्रेजेंट है, ठीक है, स्पोर कोट क्या है, एक प्रोटीन की कवरिंग है जो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी देता है और इसे एक्सटर्नल फैक्टर से प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद लास्ट की लेयर है एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम क्या है, ये भी एक एडिशनल लेयर है, सारे बैक्टीरियल स्पीसीज में ये प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, ये थिन और डेलिकेट लेयर है जो क्या करती है, जो किसी सरफेस से, स्पोर को किसी सरफेस से अडेयर होने में, मतलब उसे चिपकने में मदद करती है। तो कभी एंडोस्पोर पर भी क्वेश्चन आ जाता है, अलग से शॉर्ट नोट आ जाता है। फिर नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन थ्रू कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया जो रिप्रोडक्शन है वो स्पर्मेटोसाइसिस जो बैक्टीरिया हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ये फिलामेंटस माइसीलियम बनाते हैं, ठीक है, और ब्रांचिंग हाइफ बना लेते हैं। ये हाइफ जो हैं इनके टॉप पर एरियल माइसीलियम बनता है, और ये एरियल माइसीलियम में स्पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं, इस स्पोर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं कोनिडिया। यही क्या है, कोनिडिया हैं। फिलामेंट जिनमें कोनिडिया प्रेजेंट रहते हैं उन्हें कोनिडियोफोर्स कहते हैं। और ये हर कोनिडिया, देखो कोनिडिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है और कोनिडियम क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो कोनिडियम, हर कोनिडियम एक नए बैक्टीरिया को बना सकता है। तो इस तरीके से कोनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म कंपार्टमेंट्स में या फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर एक छोटा छोटे स्ट्रक्चर बना देता है जिसे गोनिडिया कहते हैं। और ये गोनिडिया फेवरेबल कंडीशन का वेट करते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशन जैसी आती है तो ये क्या करते हैं, नए बैक्टीरिया में डेवलप हो जाते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया कम्प्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया।